Hello everyone, I'm Akhilesh Kumar Srivastava, and in today's lecture we are going to discuss about a problem at the LeetCode platform. The name of the problem is Jump Game. So in this problem it is said that you are given a zero indexed array of integers nums of length n. You are initially positioned at nums 0. Each element nums I represent the maximum length of a forward jump from index I. In other words, if you are at nums I, you can jump to any nums I plus j, where 0 is less than or equal to less than 0 is less than or equal to j is less than or equal to nums I, and I plus j is less than n. Return the minimum number of jumps to reach to nums n minus 1. The test cases are generated such that you can reach nums n minus 1. नाउ इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड देन शायद हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ. सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. सो लेट्स से वी हैव बीन गिवन एन एरे एंड द एरे कंटेन्स लेट्स से सिक्स एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सिक्स एलिमेंट्स एंड द वैल्यूज इन दिस एरे आर लेट्स से 2, 2, 1, 1, 0. And let's not take 0, let's say it is 2, and let's say here 3 is written. Let's say the indexes of the array are 0, 1, 2, 3, 4, and 5. So 0 is the starting position where you are starting your game, and you have to reach to the end cell, that is the 5 index. Is 5 index mein pahunchne ke liye aapko kitne minimum jumps ki zarurat padegi, ye aapse pucha ja raha hai. सो ये जो क्वेश्चन है इसमें हर एक एरे के सेल में एक वैल्यू लिखी गई. जैसे फॉर एग्जांपल हमने मैं यहाँ पे अगर 2 लिखा तो इसका मतलब है कि आप इस सेल से एक जंप भी ले सकते हैं और दो जंप भी ले सकते हैं. अगर किसी सेल में 1 लिखा है इसका मतलब है कि आप उससे केवल एक जंप ले सकते हैं, इसका मतलब आप नेक्स्ट इंडेक्स में ही केवल जा सकते हैं. अगर किसी सेल में 3 वैल्यू लिखी इसका मतलब कि आप 3 इंडेक्स आगे जा सकते हैं मैक्सिमम. सो आप एक स्टेप भी ले सकते हैं, आप दो स्टेप भी ले सकते हैं, आप 3 स्टेप भी ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया. तो अगर हमें ये बताना है कि मिनिमम कितने मूव्स लगेंगे एंड सेल में पहुंचने के लिए, तो यू आर नॉट श्योर अबाउट कि व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज इन द सेल. एरे के सेल में जो वैल्यूज लिखी गई इससे आप फैमिलियर नहीं है. तो चूंकि आप इससे फैमिलियर नहीं है तो इसलिए आपको ये डिसीजन लेना बहुत ही टफ होगा कि कहाँ पे कितने मूव्स किए जाए. तो इसलिए आपको सारी पॉसिबिलिटीज का इंक्लूजन करना होगा, और जहां पे भी आप सारी पॉसिबिलिटीज के इंक्लूजन की बात करते हैं इसका मतलब कि आप एक क्यू लेते हैं. तो ये प्रॉब्लम हम BFS के मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. सो आइए हम एक काम करते हैं कि एक क्यू ले लेते हैं और उस क्यू में जीरो इंडेक्स को इंसर्ट कर देते हैं. सो दिस इज द क्यू एंड इसमें मैंने जीरो इंडेक्स को इंसर्ट कर दिया. साथ ही साथ हम एक स्टेटस मेंटेन कर लेते हैं जो हमें ये बताएगा कि कितने मूव्स लगे इन इंडेक्सेस पे पहुंचने के लिए. मान लेते हैं कि इन सभी इंडेक्सेस की जो वैल्यूज हैं इनिशियल वैल्यूज ये -1 है, और चूंकि हम जीरो नंबर से अपना गेम स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो मेरा स्टार्टिंग सेल हो गया या स्टार्टिंग पोजीशन हो गई. तो हम कहेंगे कि जीरो से जीरो का जो डिस्टेंस है या नंबर ऑफ स्टेप्स जो लगे हैं वो जीरो होंगे. इसके बाद आपने क्यू से जीरो को रिमूव किया है, और क्यू से जीरो को रिमूव करने के बाद आपने देखा कि जीरो नंबर सेल में एरे में, इस एरे का नाम नम्स है, इस एरे में जीरो नंबर सेल में क्या वैल्यू लिखी गई है. तो चूंकि जीरो नंबर सेल में दो वैल्यू लिखी गई है इसका मतलब आप एक इंडेक्स आगे जा सकते हैं, आप दो इंडेक्स भी आगे जा सकते हैं. अगर आप एक इंडेक्स आगे जाएंगे तो जीरो से वन पहुंचेंगे. तो जीरो से वन वाला जो इंडेक्स है वो अभी एक्सेस नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं और एक मूव में आप यहाँ पहुंच जाएंगे. वन को हम क्यू में इंक्लूड भी कर लेते हैं. इसी तरह से आप दो जंप भी ले सकते हैं तो आप टू इंडेक्स पर पहुंच जाएंगे, टू भी अभी हम नहीं पहुंचे हैं. तो चूंकि आप जीरो से टू डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इसलिए आप एक ही स्टेप में टू पहुंच जाएंगे. तो इस पॉसिबिलिटी को भी हम क्यू में इंक्लूड कर लेते हैं. फिर इसके बाद वन को डिलीट करते हैं. वन में भी, वन सेल में भी दो वैल्यूज लिखी गई हैं, इसका मतलब है कि आप एक जंप भी ले सकते हैं और दो जंप भी ले सकते हैं. मान लीजिए कि आपने एक जंप लिया. सो अगर आप एक जंप लेंगे वन से तो आप पहुंच जाएंगे सेल नंबर, यू विल रीच टू सेल नंबर 2. सो सेल नंबर 2 तो ऑलरेडी एक्सेस हो चुका है तो दोबारा यहाँ पहुंचने की जरूरत नहीं है. सो अब हम पहुंचते हैं वन से 3 दो जंप लेके. सो 3 वाली पोजीशन में पहले से -1 है तो अब आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं. चूंकि आप यहाँ 1 से पहुंचे हैं तो जितना एफर्ट 1 पहुंचने में लगा उससे एक ज्यादा एफर्ट यहाँ पहुंचने में लगेगा. 3 नंबर सेल को आप क्यू में इंक्लूड कर लीजिए. इसके बाद आपने 2 को डिलीट किया, और 2 से देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं. 2 से हम केवल एक जंप ले सकते हैं, वो हम 3 पे पहुंच सकते हैं, लेकिन 3 पे तो हम पहले से पहुंचे हैं. स्टेटस अरे हमें ये बता रहा है कि हम 3 पे पहले से पहुंच चुके थे.
तो जो लेटर वाला स्टेज है उसमें ज्यादा स्टेप्स लगेंगे और प्रीवियस वाले में कम होगा, ऐसा मानते हुए हम इसका इंक्लूजन नहीं करते हैं। फिर हम थ्री को डिलीट करते हैं और थ्री से देखते हैं हम कहाँ कहाँ आगे जा सकते हैं। सो थ्री वाले सेल में एक लिखा हुआ है, इसका मतलब आप केवल एक जंप ले सकते हैं और फोर पे पहुंच सकते हैं। फोर हम पहले से नहीं पहुंचे हैं इसलिए फोर पे पहुंचते हैं। तीन एफर्ट लगेगा इसमें क्योंकि टू थ्री पहुंचने में टू एफर्ट लगा था, तो चूंकि आप थ्री से फोर जा रहे हैं तो इसमें एक ज्यादा एफर्ट लगेगा, और थ्री को हमने लिख दिया फोर नंबर सेल में स्टेटस में और फोर को क्यू में इंक्लूड कर लिया। फिर फोर को डिलीट करते हैं और फोर को डिलीट करने के बाद फोर से फोर वाले सेल में टू लिखा है, तो इससे आप एक ही जंप लेंगे और फाइव पे पहुंच जाएंगे। फाइव आप पहले से नहीं पहुंचे थे तो एक ज्यादा एफर्ट लगेगा आपको फोर से फाइव में पहुंचने में। फाइव को क्यू में इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन चूंकि फाइव हमारा टारगेट सेल था तो जैसे आप फाइव नंबर सेल पे आप पहुंचे अपने गेम को आप स्टॉप कर देंगे और आगे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सो इसका मीनिंग क्या है कि जो स्टेटस अरे में फाइव इंडेक्स पे जो वैल्यू लिखी गई यही आपका आंसर है। इसका मतलब है कि एंड सेल में पहुंचने में आपको फोर एफर्ट लगेगा या फोर स्टेप्स लगेंगे। तो आइए इसको हम कोड करके देखते हैं लीट कोड पे। सो यहाँ पे जो कोड हमें लिखना है, इसमें हमने जो कोड लिखना है उसमें केवल एक चीज गिवन है कि नम्स नाम का एरे गिवन है। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि इस नम्स नाम के एरे का साइज क्या है। सो नम्स डॉट साइज हम पता कर लेते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक स्टेटस एरे ले लेते हैं। सो हम एक वेक्टर लेते हैं और वेक्टर ऑफ इंटीजर टाइप, लेट्स से उसका नाम स्टेटस है, उसमें एन इंडेक्सेस होंगे टोटल और सभी वैल्यूज को -1 से इनिशलाइज कर रहे हैं। इसके बाद हम एक क्यू ले लेते हैं। सो लेट्स से द क्यू इज ऑफ इंटीजर टाइप एंड नेम ऑफ द क्यू इज क्यू। क्यू में हम जीरो नंबर सेल को पुश कर देते हैं क्योंकि जीरो से ही हम अपने गेम को स्टार्ट करेंगे, और स्टेटस ऑफ जीरो को जीरो सेट कर देते हैं क्योंकि जीरो एफर्ट लगेगा जीरो सेल में पहुंचने के लिए। इसके बाद हम जब तक लूप एम्प्टी ना हो जाए तब तक अपने प्रोसेस को करते हैं। सो वाइल क्यू डॉट वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी अपने ऑपरेशन को अब तक करेंगे, और सबसे पहले जो सेल जो भी फ्रंट वैल्यू है क्यू में उसको हम डिलीट कर लेते हैं और उसको लेके आते हैं क्यू एक्स नाम के वेरिएबल में। अब एक्स हमारा वो वेरिएबल है जो बता रहा है कि हम किस करंट सेल में हैं और इससे हमें कहाँ पे आगे जाना है। तो यहाँ से हम कितने स्टेप्स आगे जा सकते हैं, तो लेट्स से हमारे पास एक मूव्स नाम का एक वेरिएबल है जो नम्स नाम के एरे से ये पता करके बताएगा कि कितने स्टेप्स हम मैक्सिमम यहाँ से जा सकते हैं। तो चूंकि आपके जो स्टेप्स हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे, सो 1 एंड देन आई इज लेस देन और इक्वल टू मूव्स, ये मैक्सिमम मूव्स बता रहा है कितने हम ले सकते हैं, मैक्सिमम जंप कितने ले सकते हैं। तो ये जस्ट फाइंड आउट लेट्स से सम वाई वेरिएबल, दिस इज इक्वल टू करंट पोजीशन एक्स प्लस आई। इस सेल को देख लीजिए कि क्या पहले से एक्सेस्ड है या नहीं, तो स्टेटस अरे हमें बताएगा कि अगर स्टेटस अरे में वाई का स्टेटस -1 है तो इसका मतलब हम पहले से नहीं पहुंचे हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे पहले से नहीं पहुंचे हैं तो इसका स्टेटस हम अपडेट कर देते हैं, एक्स से पहुंचे हैं तो एक्स से एक एफर्ट ज्यादा लगेगा। इस वाले वाई सेल को क्योंकि ये नया सेल है हम इसको पुश कर देते हैं क्यू में। अगर ये वाई सेल मेरा टारगेट सेल है मतलब कि वाई एन -1 सेल है, तो इसका मतलब क्या है कि हम आंसर रिटर्न कर देंगे। सो लेट्स से द आंसर रिटर्न फ्रॉम वेयर इज स्टेटस ऑफ एन -1 सेल और स्टेटस ऑफ वाई सेल। सो ये हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए या फिर वाई इक्वल्स टू एन -1 ना आ जाए। चूंकि ये फंक्शन आप चेक करेंगे कि ये फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर एक्सपेक्टेड है, तो इट इज एक्सपेक्टिंग कि हम लास्ट में एक वैल्यू को रिटर्न करें। हालांकि ये कंडीशन कभी भी नहीं आएगा लीट कोड के इस कोड के साथ, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि हम एंड सेल पे या n-1 सेल पे कभी ना पहुंच पाए। चूंकि यहाँ लीट कोड पे गिवन है कि हम पहुंच ही जाएंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम एंड सेल पे पहुंचे, क्योंकि गीक्स पे अगर आप देखेंगे इसी सेम प्रॉब्लम्स को तो वहां पे ऐसा पॉसिबिलिटी लिया गया है कि हम एंड सेल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस केस में क्यू एम्प्टी होके हम बाहर आएंगे और -1 रिटर्न कर देंगे। -1 का मतलब है कि हम कभी नहीं पहुंच पाए। साथ ही साथ मान लीजिए कि ये जो एन है इसकी वैल्यू 1 है, तो अगर एन की वैल्यू 1 है इसका मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स केवल एक ही है हमारे एरे में, तो जो सोर्स होगा वही डेस्टिनेशन होगा। इस केस में डेस्टिनेशन में पहुंचने में हमें जीरो एफर्ट लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो रिटर्न कर दिया। तो आइए इसको कोड को रन करके देखते हैं। इट शोज दैट द टाइम लिमिट एक्सीडेड, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने पॉप नहीं किया इस सेल को।
जो पॉप होता है या क्यू का जो डिलीशन होता है, ये टू स्टेप प्रोसेस है, तो ये मेरे से मिस्टेक से छूट गया था फ्रंट से एलिमेंट लेने के बाद। आई होप इट शुड रन फाइन नाउ। यस, दी सैम्पल टेस्ट केसेस आर एक्सेप्टेड। And this also has got accepted. So I think that you have understood that how this problem is solved. In the next lecture, we will discuss about another problem, which is a related problem to the jump game. Thanks for watching this.